हेलो नमस्कार सर। सर हाँ नमस्कार जी। मेरा ऑडियो हो गया है सर। हाँ जी। और मेरे पास एक हफ्ते का प्रवास पैसा आने वाला है। आपके पास? एक हफ्ते के बाद पैसा आएगा। एक हफ्ते बाद पेमेंट करना है आपको। तो हाँ, एक हफ्ते बाद आएगा तो एक हफ्ते बाद ही करूंगा ना सर। ठीक है सर, एक हफ्ते बाद पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन वो बार बार फोन आते रहते हैं कस्टमर केयर वालों को। मेरे सर वो फैमिली फोन तो के जाते ही रहते हैं, जाएंगे सर जब तक क्लियर नहीं करेंगे इसको। मेरी फैमिली के ऊपर जाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, वो सही है? क्या सर? मेरे फैमिली के ऊपर कॉल जाते हैं, अनाप शनाप बात करते हैं, वो सही है? नहीं नहीं सर, वो आपके पास कॉल जाते हैं सर, आपके फैमिली पे नहीं जाते होंगे सर। मेरी फैमिली पे, मेरे बीबी के ऊपर आया है कॉल, बराबर मेरे ब्रदर के ऊपर आया है, अनाप शनाप बात करते हैं। और अगर उतनी जल्दी है आपको कि हमें लेने की, बराबर, तो कोर्ट में ले, मेरे घर पे लीगल नोटिस दीजिए पुलिस स्टेशन में। कोर्ट में हाजिर होके जो तुम्हारा 5,000 का 5 लाख देने का होता निकलता होगा ना, तो वो भी खड़े खड़े किया कोर्ट बोलेगी तो मैं दे दूंगा, बराबर। ठीक है सर, कोई कॉल वगैरह मैसेज नहीं जाएगा सर। ओके सर, ये सब नहीं जानना चाहिए एक हफ्ते तक, वरना मैं लीगली नोटिस मांगूंगा सामने से, नोटिस मांगूंगा। नोटिस मेरे को दो, लीगली नोटिस, और कोर्ट में आके जितना पैसा होता है ना उतना ही दूंगा मैं। ओके सर। तुम्हारी कंपनी को भी जवाब देना पड़ेगा क्या है लीगली नोटिस में और क्यों पैसा इतना ज्यादा ले रही है, बराबर। जी। मैंने 4 बार लेके लोन लेके रिफंड किया है, इस बार थोड़ा लेट हो गया 2 दिन में, और मेरे पास पैसा है अभी, लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है, क्या कर सकती है। मेरे बैंक अकाउंट में अभी 40,000 रुपया पड़ा ही है ऑलरेडी, लेकिन ओके सर, ठीक है सर, आपके मैं पास नहीं पैसा। दूंगा अभी। मेरे को पेनल्टी के साथ देना है, लेकिन तुम्हारी कंपनी कहाँ कौन सी हद तक जाना चाहती है वो मैं देखना चाहता हूँ। लीगली नोटिस भेजो एक बार। सर सर तो मैं आपको चाहूंगा बताना कि सर आप जैसी आपकी इच्छा सर, इच्छा नहीं, ठीक तुम, मेरे को भी उतना मालूम, तुम सिबिल स्कोर भी डाउन नहीं कर पाते हो, बराबर। मैं दूसरी लोन चालू है, मेरी 4 व्हीलर की गाड़ी की लोन चालू, उसमें भी मैंने पता किया, बोले ये छोटी मोटी कंपनी का कोई सिबिल स्कोर डाउन नहीं होता है, बराबर। उन्होंने भी जवाब दिया, तुम्हारे आदमी मेरी बीबी को, मेरे मेरे पहले मेरी बीबी को क्यों कॉल करते हैं, वो जवाब चाहिए मेरे को। और ठीक है सर, तुम कोई बहुत लीगली नोटिस भेजो मेरे को, वो बहुत बेहतर होगा। तुम्हारा 4-5 हजार के सामने मेरे को 5 लाख चुकाना पड़ेगा, मैं खड़े खड़े चुका दूंगा, लेकिन मेरे को लीगली नोटिस चाहिए इसके ऊपर। ओके सर। मैं इसके बिगैर पेमेंट नहीं करूंगा। आप आगे तक बात पहुंचाइए, ये कस्टमर लीगली नोटिस मांग रहा है, कोर्ट में हाजिर होके कस्टमर जवाब देगा, और कस्टमर का जितना पेमेंट होगा वो देगा। लीगली नोटिस चाहिए मेरे को, बराबर। तो ये तुम अनाप शनाप बात कर रहे हो, अभी के अभी कस्टमर 15 दिन के लिए लोन ले रहा है, 10 दिन होते तुम फोन पे फोन कर रहे हो, कस्टमर का नुकसान हो रहा है, तुम भरपाई करोगे? दिन में 10 बार कॉल आता है तो उसको कॉल में शायद कस्टमर का 2-4 हजार रुपया का नुकसान हो गया, तो तुम भरपाई करोगे? 10 दिन के बाद कॉल करना चालू करते हो, यस या नो? ठीक है सर, हेलो, आपको आंसर, कॉल। कॉल नहीं आएगा ना, आंसर मी। अभी तक जो हुआ उसकी हिस्ट्री में जानना चाहता हूँ। कस्टमर को कॉल आया है, मेरे रिकॉर्डिंग में है, बराबर। 10 दिन हुआ, उसके बाद रोज रिमाइंडर आता है, कहीं मैं काम में होता हो तो कॉल आ जाता है। तो तुम वो कॉल पे डिस्टर्ब कस्टमर होता है, उसका 2-3 हजार रुपये का नुकसान हुआ हो, भरपाई करोगे? क्योंकि कस्टमर ने 15 दिन के लिए लोन लिया है, 10 दिन के लिए नहीं। तो 10 दिन होते ही तुम कॉल पे कॉल करते हो,
मैसेज पे मैसेज भेजते हो उसके लिए आंसर है तुम्हारे पास? नो सर। तो वो कोर्ट में आंसर देना पड़ेगा ना भाई, लीगली नोटिस भेजने की धमकी दे रहे हो तुम मेरे घरवाले को, तो अब मेरे लीगली नोटिस ही मांग रहा हो कॉल रिकॉर्डिंग पे। तुम लीगली नोटिस भेजो, तुम्हारा 4,000 नहीं 5 लाख रुपया होगा ना तो भी मैं खड़े खड़े कोर्ट में ही चुका दूंगा। अरे मेरे को लीगली नोटिस चाहिए और कोर्ट क्या फैसला लेती है कि ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, पैसा मिल जाएगा तुमको बराबर। जी हाँ जी। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बहुत खराब खुशखबरी है कि पूरे YouTube पे छा गई है कैश बिन कंपनी, लोगों को परेशान करती है, खाना पीना हराम कर दिए। कोई कोई लड़के तो ऐसा बोलते हैं छोटे छोटे लड़के मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, क्या मायने है, मायने में आ रहा है तुम्हारे में? तुम लोन दे रहे हो, दे रहे हो तो अच्छा ही है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा है कोई भी, लेकिन कंपनी एक लोन भी 2-3-4 दिन का काम टाइम देती है, ऐसा नहीं कि वही दिन पे बोले 12 बजे पेमेंट करवा दो ना कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। आदमी को घबरा रहे हो क्या है? ठीक है सर, अब आपके पास ठीक है नहीं ठीक है ठीक ठीक तो मेरे को तो कुछ मेरा तो सब ठीक ही है, मेरा तो कुछ बाल भी नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। लीगली नोटिस भेजो, जो कोर्ट में फैसला आएगा 5 लाख देने का बोलेगा ना कोर्ट, तो खड़े खड़े चुका दूंगा, मेरे ऑलरेडी बैलेंस है सब कुछ है, लेकिन मैं इसीलिए मैं नहीं लौटा रहा, रिफंड आपको नहीं कर रहा, मेरे को कंपनी का कुछ हिस्ट्री जानना है। और आप क्या कहाँ तक कौन सी हद तक जा रहे हो, कौन सी हद तक जाओगे वो मेरे को देखना है, खाली मेरे को कुछ करना नहीं है। लीगली नोटिस भेजो, कोर्ट में आके जो कोर्ट का फैसला होता उसके हिसाब से 5 लाख दिनों का होगा तो वो दे दूंगा बराबर। बाकी आपने सुना होगा वो विजय माल्या करोड़ों रुपए का करके चला गया इंडिया में, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, बिगाड़ सका नहीं सर। तो फिर तुम क्या बिगाड़ पाओगे यार? तुम इतना आदमियों को गरीब लोगों को हाईटेक कर रहे हो, इतना अंदर से उलझा रहे हो, आत्महत्या कर सुसाइड करने तक वो आदमी आ गया है, एक मेरा बंदा है बराबर। तो तुम क्यों इतने ना उछल रहे हो कैशबिन वाले बराबर, तुम्हारे क्या औकात है? तुम लीगल नोटिस मेरे को वो भी पता है, लीगल नोटिस भी नहीं भेज सकते मेरे घर पे, वो भी पता है। तुम्हारी औकात में हो तो कल लीगल नोटिस भेजो, इतना ब्याज लिया है, इतना पेनल्टी लगाया है, नहीं भेज सकते भाई तो क्यों उछल रहे हो? तुम्हारा कस्टमर केयर वाला जो भी लोन लेता है 2-3 हजार वाले लोगों को, बेचारे बच्चों को फोन करके उसके बीबी बच्चे को धमका रहा है, अनलीगली बात कर रहा है बराबर। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम तो जॉब कर रहे हो गए, लेकिन तुम जॉब कर रहे जी करो तो सही, बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई बेचारे का घर बच जाएगा इसमें, क्योंकि ये कंपनी बहुत मादक सोच कंपनी है, मैं जान लिया हूँ। RBL कोई भी कंपनी है, कोई आदमी को कोई एप्लीकेशन को इतना परमिशन नहीं देती, इतना ब्याज वसूलो, इतनी स्ट्रिक्ट परमिशन से इतना आदमी को हाईटेक करो वो पेमेंट लेने के लिए बराबर। तुम क्यों कर रहे हो? तुम सब आदमियों का सब जो लोन लेता है उसका कॉन्टेक्ट सब हाईटेक करके सब कॉन्टेक्ट वाले को कॉल करोगे, अनप सब अनप सनप बात करोगे, ये है वो है ऐसा है वैसा है, क्या है उसका मायना क्या है? तो मतलब कि तुम जो भी चाहो, आदमी ने 2-3 हजार रुपया तुमसे लिया तो जो चाहो उसको कर लोगे हा? तुम कस्टमर केयर में हो ना? हेलो जी बताएंगे। तो कस्टमर केयर में हो तो एक काम कर सकते हो, मेरे ऊपर लीगल नोटिस कोर्ट से लीगल नोटिस भेज सकते हो, बोलो। मेरे हाथ में रहता तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे हाथ में होता तो भेज देते ऐसे, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी कंपनी के हाथ में भी नहीं है बराबर।
वो सब जान के बैठे हैं यहाँ, पर तुम्हारे बंदी ऐसे है, चुकाना पड़ेगा नहीं है, वो है लेडीजों से अनप सनप बात करते है, उसका रिकॉर्डिंग सब है हमारे पास बराबर। अब पैसा तो नहीं मिलेगा, लीगल नोटिस आएगा ना जब कोर्ट से, तब कोर्ट में पैसा मिलेगा। और अल्लाह शुक्रिया करे, भगवान करे, शायद तुमको ऊपर से पैसा देना पड़ेगा। मान हानी का दावा ठोक दिया है, मान हानी जानते हो ना? जी जी, मेरा इतना नुकसान हुआ 5 लाख का ये बंदे के ये कॉल आने से, अब मेरा नुकसान भरपाई करो, कंपनी करना पड़ेगा, तो कंपनी का रिकॉर्डिंग है हमारे पास बराबर। 10 दिन होते ही फोन ठोक पे ठोक कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है मालूम है? 35% इंटरेस्ट लगता है भाई। कोई भी बंदा मरने पे तुला तो ब्याज पे ले लेता है पैसा, इसका मतलब है उसको वो नहीं है, उसकी गांड भी मार लो तुम चड्डी खोल के। तुम्हारे पहले 4 कस्टमर केयर में कॉल किया है, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लीगली नोटिस भेजो मुझे, मेरा एड्रेस भी है, सब कुछ है, लीगली नोटिस भेजो, नोटिस पे कोर्ट पे आके तुम्हारा 5 लाख होगा तो भी मैं चुकाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, तुमको तुम्हारी कंपनी को मान आने का दावा में पैसा ज्यादा मेरे को ना चुकाना पड़े, वो ध्यान रखना खाली बराबर। पर मेरे को तो कोई बंदे का फोन आना नहीं चाहिए, वरना मार मार के धूल बना दूंगा। मैं कंटाल गया हूँ ये कस्टमर ये कैशबिन वाले, मेरे पास पैसा होते हुए भी अब मैं जमा नहीं करवाऊंगा बराबर। मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ तक, तुम्हारी हरकत कहाँ तक जा रही है वो देखना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा है, नहीं जमा करवाऊंगा, और मान आनी का दावा ठोकने कल कोर्ट में जाऊंगा, उससे अच्छा पहले तुम लीगली नोटिस मेरे को भेजो, तो उसके उस थोड़ा बहुत बचाव तुम्हारा कोर्ट में हो जाएगा, बाकी बचाव तो होगा ही नहीं तुम्हारा। तुम लोगों ने जैसे बकचोदी की है ना, बचाव नहीं होगा बराबर। हाँ, वो बात ध्यान में रखते अपने आगे, और अधिकारी से बात करवाना चाहते हो तो करवा लो अभी, आपका कोई अधिकारी है तो बात करवा सकते हो तो करवाओ। अभी अधिकारी रहते तो मैं बात कराता जरूर आपसे। तो नहीं है अभी, अभी कोई है नहीं, अभी नहीं है, नहीं तो मैं बात कराता। तो खाली खाली क्या तुम लुखे लबेट बैठे बैठे सब कस्टमर को गाली ही देते हो क्या? मेरे जैसा सिर्फ मिल जाए तो तुम्हारी गांड मार लेता है, बाकी तुम तो सबकी गांड मार लेते हो, वो तो मेरे को पता है। हाँ, सुनता सुन ही रहा हूँ भाई। हाँ सुनिए, ये जहाँ फोन लगाए यहाँ कंप्लेंट सुनी जाती है, आपकी शिकायत सुनी जाती है। मैं ये कर सकता हूँ जो आपने बोला है उसको, मैं आप अपने सीनियर को बताऊंगा, ठीक है? सीनियर को बताओ, किसी को भी बताओ बराबर, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो साला सुतमारी का जो गाली देने वाला होता है वो फोन नहीं उठाता है, वरना उसको अभी उसकी औकात दिखा देता बराबर। तुम्हारा 2 डिपार्टमेंट ऐसे डिवाइड किया है, साला गाली बोल के फोन बंद कर देता है, उसका फोन लगता नहीं है। तुम जैसे बिचारों का कॉल लगता है, तुमको क्या बोलने का? जो मेन प्रॉब्लम वाला हो उससे तो बात करवा नहीं करवाते ही नहीं आप, उसको अगर बात करवा तो उसको उसकी औकात कहाँ भी बैठा है उसको उसकी औकात बताए। हम नाम पता है उसका? अरे नाम देता है तो पता है यार, तुम्हारे तुम तो यार तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी तुमको मालूम होनी चाहिए। नाम देता है कभी कोई कस्टमर केयर में? उसका कोई नाम वगैरह है जो? अरे नाम नहीं देता है कोई कस्टमर केयर में, नाम नहीं देता है यार। मेरी बीबी के सब रिलेशन से बात करता है वो, लाइज है यार। तुम ही बोलो, तुमने कहीं से 4,000 रुपया कर्जा लिया, 1-2 दिन लेट हो गया, तुम्हारे घर पे सब अलग, तुम्हारी बीबी को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पापा को, सबको कॉल करेगा तो तुमको क्या होगा? तुम ही सोचो। मैं समझ रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ। तो फिर ये लाजवाब है ना यार, बंदा बोल रहा है तुम्हारे 1-2 दिन लेट हुआ, तुम्हारे अंदर पेनल्टी का जुगवाई है, तुम पेनल्टी भरने का बोल रहे हो तो पेनल्टी भरने का बोल दिया है बराबर। ऑलरेडी वो ये करेगा तो पेनल्टी साथ ही करेगा, पर मैं तो आज नया नहीं हो, 4-5 बार लेके ये कर चुका हुआ पेनल्टी के साथ, या कोई बार लेट नहीं हुआ है मेरा। हाँ
और इस बार ये बंदे ने कोई एक दो बंदा था इधर उधर बात कर लिए ना, अब ये कंपनी के ऊपर है ना बड़ा हंगामा करने वाला ही हूँ मैं। बात क्यों किया ऐसा यार, वो तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारे सीनियर को बता देना। यूट्यूब पे खाली कैशबिन की चुतिया पंटी ऐसा लिखो, मतलब मालूम पड़ेगा कितना लोग वो कंप्लेन करने के लिए बैठे है, कितना लोगों ने लोन नहीं चुकाया कंप्लेन करने के लिए तैयार है। कोई भी बंदे को आप अरेस्ट करोगे ना करवाओगे ना तो भी वो सब व्हाट्सएप पे इतना ग्रुप है ना, वो सब उसको है ना अपनी वो बोल के छुड़वा लेगा कि ये कंपनी फर्जी है, बंदे को कोई फुल्क में नहीं है ऐसा बोल के छुड़वा लेगा। बहुत अनसेटिस्फाइड कस्टमर है आपके, ध्यान में रखो बराबर। जी हाँ जी सर। और मेरा तो क्या है, तुम आज नहीं तो कल नोटिस दे दो, 5 लाख देना है तो दे दूंगा, 5,000 ही देने का है, मैं तुमको 5 लाख बोल रहा हूँ दे दूंगा बराबर। लेकिन उसके सामने आपकी कंपनी को भी कोई जवाब देना ही पड़ेगा कि क्यों इतना ब्याज लेती है, क्यों ऐसे अरेस्ट करती है, क्यों मैं बैठा हूँ तो मेरे घर वाले को कॉल कर रहा है, ये है वो है, सब जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं जवाब देना पड़ेगा? ठीक है साहब, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़े नहीं देना पड़ेगा बोलो आप। ठीक है साहब, मैं उसकी तरफ से। ठीक है साहब, नहीं जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा कंपनी को? देना पड़ेगा सर। तो फिर ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये तुम्हारा भी रिकॉर्डिंग है, तुम भी आम आदमी में आ गए, तुम्हारा रिकॉर्डिंग आएगा कि भाई ये कस्टमर केयर वाला बोल रहा है जवाब देना पड़ेगा, तो दो कंपनी वाले जवाब दो, उसमें क्या है? कोई आदमी विजय माल्या लेके भाग गया 700 करोड़ रुपया, उसका क्या किसी ने क्या चाट भी उखाड़ लिया? वो तो पंजाब बैंक थी, उसके पास बंदे नहीं थे मारने वाले कुटने वाले, उसके घर जाने वाले बंदे नहीं थे क्या? तुम्हारे कैशबिन वाले के पास ही है, पंजाब बैंक के पास नहीं थे बंदे तो विजय माल्या भाग गया, सब थे। लेकिन लीगली जो होता है ना वही होता है भाई, इसमें पैसा देने की वक़्त रखो तो लेकिन ये लेने की वक़्त रखो, भूल जाने की भी वक़्त रखो, कोई बंदा प्रॉब्लम में आ तो भूल भी जाना पड़ेगा, यही इंडिया का रूल्स है बराबर। चलो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा, ये भी कल ये वीडियो में आ जाएगा यूट्यूब पे, ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग है वो भी आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। मैं तो रिकॉर्डिंग ही करता रहता हूँ तुम्हारे जैसा लोगों का, और कोई नहीं, क्या है क्या हिस्ट्री है क्या करना है। ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके धन्यवाद।